अमित शाह के फेक वीडियो केस में धांसू एक्शन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार, मचा हाहाकार। दिल्ली से अहमदाबाद तक विरोधियों पर हंटर। आरबी बारिया के नाम से थी, ये दो मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली से लेकर गुजरात तक धांसू एक्शन हुआ है, जिससे आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, कांग्रेस में भी बवाल मच गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तो बुरी तरह डर गए हैं, क्योंकि अमित शाह के वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से वायरल करने वालों में उनका भी नाम है। दरअसल अमित शाह के फर्जी वीडियो को वायरल करने पर दो लोग गिरफ्तार हुए। अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए लोगों में एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस का नेता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और दो मोबाइल जब्त किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रेवंत रेड्डी को भी नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के सीएम को फोन के साथ पूछताछ के लिए तलब किया है। तो अब दोनों से अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द साजिश को लेकर बड़ा खुलासा भी हो सकता है, और जिस तरीके से आरोपियों का कांग्रेस और आप कनेक्शन निकला है, तो उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की छवि खराब करने के मकसद और देश में दंगा भड़काने के मकसद से कांग्रेस और आपने मिलकर ये साजिश रची होगी। वहीं गिरफ्तार नेताओं पर अहमदाबाद की डीसीपी लवीना सिन्हा ने भी बड़ा खुलासा किया है। अहमदाबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच में सोशल मीडिया सर्वेलेंस के दौरान दो फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक FIR नोटी है, जिसमें सेक्शन 505A, 1B, 469, 153A और IT एक्ट के हेठड़ ये गुना नौदा है। उसमें मुख्य दो आरोपी हैं जिनकी दो फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये दो मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। प्राथमिक तपास के इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक पालनपुर से है, जो सतीश भाई वंसोला है वो पालनपुर के हैं मूल, और दूसरे जो हैं RB बारिया वो दाहोद लिमखेड़ा के हैं। ये हम अभी जांच कर रहे हैं आगे। जिस कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का PA सतीश बताया जा रहा है। खैर, अब जल्द ही तेलंगाना से गिरफ्तारी की खबर सुनने को भी मिल सकती है। खैर, ये पूरा मामला क्या है तो चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आजकल देश में कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया से वीडियो चुराते हैं और उस वीडियो को एडिट कर किसी की भी इमेज खराब करने के मकसद से वायरल कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण पर कुछ वक्त पहले बयान दिया था, जिसमें वो देश से मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन शरारती तत्वों ने उनके वीडियो को एडिट कर उसमें सभी जातियों के आरक्षण यानी OBC, SC, ST के आरक्षण को खत्म करने की बात जोड़ डाली। फैक्ट चेक किया गया तो अमित शाह का ये वीडियो बिल्कुल फेक निकला। फिर क्या था, फेक खबर फैलाकर मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश आरोपियों को ले डूबी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और देश भर में ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने अमित शाह की वीडियो से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग ने केस दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 153A, 465, 469, 171G और IT एक्ट की धारा 66C के तहत FIR दर्ज की। शाह के एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना के CM समेत 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने तलब किया। 1 मई को रेवंत रेड्डी को मोबाइल फोन के साथ पेश होने के लिए कहा है। आरोप है कि सभी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया था। नोटिस मिलते ही रेवंत रेड्डी ने बौखलाना शुरू कर दिया है, मोदी सरकार को ही चेतावनी दे डाली है। दिल्ली पुलिस पहुंचा पाए, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को बहिष्कार के बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंचे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी
ये भी इनकम टैक्स सीधे हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए, यहाँ पर कोई करने वाले। इधर रेवंत रेड्डी को नोटिस मिल गया और उधर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब जल्द ही तेलंगाना समेत कई और जगहों से गिरफ्तारियों की खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ना सिर्फ अमित शाह ने इस मुद्दे पर गुस्सा जाहिर किया है बल्कि पीएम मोदी ने भी विरोधियों पर तंज कसा है। एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो बीजेपी साफ साफ आरोप लगा रही है कि ऐसा सिर्फ देश में साजिश के तहत किया जा रहा है। अब इस मामले पर कांग्रेस ही क्यों फंस रही है, चलिए इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल किया हुआ है। भरे मंच से खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस की इस चोरी का खुलासा किया। पीएम मोदी के खुलासा करते ही कांग्रेस बौखला गई और अमित शाह की छेड़छाड़ की गई वीडियो को वायरल कर मोदी सरकार की इमेज को भी ओबीसी आरक्षण पर खराब करने की कोशिश की। खैर अब इस मामले में दिल्ली पुलिस तो एक्शन ले ही रही है, कोर्ट का हंटर भी जल्द चल सकता है, क्योंकि बीजेपी कोर्ट जाने का भी हवाला दे रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।